मूवी के स्टार्टिंग में हमें जिनी को दिखाते हैं, वो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है और वो अपने हिस्ट्री प्रोफेसर मार्को को बहुत पसंद कर रही होती है। जिनी मार्को के अटेंशन सीक करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। ये मार्को को भी पता था, एक वैलेंटाइन डे के दिन मार्को बाहर क्लास ले रहा होता है। क्लास खत्म होते ही जिनी भाग के उसके पास आती है और उसे एक फाउंटेन के पास ले जाती है। जिनी उसे ठीक से खड़ा करती है और आई लव यू कहकर एक ड्रॉइंग देती है। तभी ड्रॉइंग को एग्जैक्टली मैच होने जैसे फाउंटेन में पानी बहने लगता है। मार्को मुस्कुराते हुए थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। जिनी ने बनाया हुआ आर्किटेक्चर सबको बहुत पसंद आती है, इससे जिनी बहुत खुश होती है। एक दिन मार्को और एक लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, इससे जिनी बहुत नाराज और दुखी होती है। जिनी मार्को को अवॉइड करने लगती है। एक दिन रात होने की वजह से मार्को ही जिनी को घर तक ड्रॉप देता है। नेक्स्ट सीन में जिनी एक शो के ऑडिशन में जाती है और रिजेक्ट होती है। मार्को बाहर कार में बैठकर जिनी की लव कन्फेशन जो उसने मार्को से छुपा कर रखा था इसे पढ़कर हंस रहा था। जिनी रोकर ही बाहर आती है। जिनी कार में बैठकर कहती है, मैं रिजेक्ट हो गई हूँ और जोर से रोने लगती है। अब मार्को जिनी का परसों का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। जिनी खुशी से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मार्को एक ईमेल टाइप करते हुए दिखता है। वो कहता है, जिनी हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, तुमने क्यों अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मैं सोचता हूँ कि तुम जहाँ कहाँ भी हो बहुत खुश हो, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मार्को ने सालों पहले सेंड किया हुआ इस मेल को जिन्हें हर दिन 3-4 बार पढ़ती रहती है और बहुत इमोशनल और दुखी होती है। रात भर वो मार्को की पिक्चर्स देखते रहती है। एक दिन जिन्हें अपने आर्किटेक्ट काम के दौरान एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ जिन्हें सालों बाद मार्को की क्लासमेट से मिलती है। उनसे पता चलता है कि आज वो लोग मार्को को मीट करने वाले हैं और वो उनका एग्जीक्यूटिव शेफ है। ये सुनकर जिनी मार्को को देखने के लिए बहुत एक्साइट होती है और कहती है, हम अब एक ही बिल्डिंग में वर्क करने वाले हैं और सेम एयर को ब्रीथ करने वाले हैं। जिनी बहुत एक्साइट थी और थोड़ा सा नर्वस भी थी। अब जिनी किचन में आकर मार्को को चुपके से देखने लगती है। अब मार्को भी उसे देखता है, पास जाकर शेक हैंड करके किस करता है और पूछता है, कैसी हो। एक्चुअली मार्को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपना ओन रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता था, सो उसने ये बिजनेस मीट अरेंज किया था। मार्को ने बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को मीट किया था लेकिन किसी का भी डिजाइन उसे पसंद नहीं आया था। सो फ्रेंड्स ने आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए जिनी का नाम लिया था। मार्को ने भी इसे एक्सेप्ट किया था। ये सुनकर जिनी खुश होती है लेकिन मार्को नॉर्मल था। अभी एक फ्रेंड कहता है, बस हम चारों ही इस रेस्टोरेंट के ओनर नहीं है, और भी एक है जिसका नाम है पैटी, मार्कोस गर्लफ्रेंड। ये सुनकर जिनी को बहुत दर्द होता है। नाइट जिनी मार्को के सालों पुराने वही ईमेल को पढ़ने लगते हैं। अब जिनी को मार्को के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। सब यादों से जिनी रोने लगती है और मार्को को छोड़कर चली जाने के लिए बहुत रिग्रेट करती है। जिनी मार्को की ओल्ड ईमेल को डिलीट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। जिनी मार्को को इम्प्रेस करने को सोचकर मार्को की आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है। काम के सिलसिले में जिनी अपनी टीम के साथ मार्को के घर जहां वो रेस्टोरेंट बिल्ड करना चाहता है वहां जाती है। मार्को नीचे आने के वक्त जिनी पर्पसफुली उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी ड्रेस को थोड़ा और हॉट दिखने
अपने जैसे एडजस्ट करके सेड्यूसिंग पोस्ट में काम करने लगते है। मार्को नीचे आते ही उसे जिनी दिखते है। वो उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखता है और पास आकर गुड मॉर्निंग कहता है। जिनी भी स्टाइल से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन तभी वो पैर फिसल कर गिर जाती है। मार्को उसे अपनी बाहों में पकड़ता है। जिनी इमोशनल होती है, फिर सॉरी कहकर पीछे हटती है। जिनी काम का बहाना बनाकर मार्को से बात करने को ट्राई करती है, लेकिन मार्को कॉल रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में जिनी अपने डिजाइन प्लान को दिखाने के लिए मार्को के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। सो जिनी उसे कॉल करके डिजाइन प्लान देखने को कहती है, लेकिन मार्को मैं अब बहुत बिजी हूँ कहकर मना करता है। लेकिन जिनी तुम जहाँ पर हो मैं वहीं पर आती हूँ कहकर कॉल कट करते है। जब वो वहाँ पर पहुँचते है मार्को वहाँ से निकल चुका था। सो जिनी बहुत मेहनत करके नेक्स्ट प्लेस को जाती है, लेकिन जब वो बस में होती है मार्को और एक प्लेस कहता है। जिनी बीच रास्ते में ही बस से उतर कर ट्रेन में जाती है। ट्रेन से उतर कर जिनी मार्को को कॉल करती है। अब मार्को मुझे रेस्टोरेंट में लौट कर आना पड़ा, कैटरिंग के कुछ प्रॉब्लम को ठीक करना था करके झूठ कहता है। ये सुनकर जिनी का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट डे जिनी अपने डिजाइन प्लान्स को लेकर मार्को के रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन मार्को इसे इग्नोर करके किचन में जाकर काम करने लगता है। जिनी भी उसके पीछे ही जाती है और पूछती है, तुमने क्यों मुझे तुम्हारे आर्किटेक्ट बनाकर हायर किया है? इसे मार्को कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब जिनी पूछती है, तुम क्यों मुझे फॉलो करके बार्सिलोना नहीं आए हो? मार्को कहता है, अगर तुमने मुझे सच्चा प्यार किया था तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में जिनी अपने आर्किटेक्ट डिजाइन के प्रेजेंटेशन देती है। वो सारे डिजाइन जिनी और मार्को ने अपनी कॉलेज डेज में साथ में बनाई थी, एक देखते हुए मार्को को जिनी के साथ की सारी मेमोरीज एक एक करके याद आने लगती है। एक दिन मार्को ने जिनी को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के सामने मैरिज के लिए प्रपोज किया था। सबने जिनी को प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कहा था, लेकिन जिनी रोकर आई एम सॉरी कहते हुए फ्लावर बुके को फेंक कर वहाँ से चली गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। बाद में मार्को को पता चलता है कि जिनी बार्सिलोना जा रही है। मार्को जिनी के पास जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिनी बिना कुछ कहे बार्सिलोना चली जाती है। प्रेजेंट में मार्को जिनी के डिजाइन को रिजेक्ट करता है। जिनी जाकर वजह पूछती है। मार्को कहता है, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया है बस। इससे जिनी गुस्सा होती है और पूछती है, डिजाइन में क्या फॉल्ट है बताओ मुझे, मैं फिक्स करूंगी। मैंने ये डिजाइन बनाने में बहुत मेहनत और टाइम इन्वेस्ट किया है। उन दिनों में मैं भी सोच रहा था कि क्यों एक ही दिन में सब कुछ चेंज हुआ, क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे भी एक रीजन चाहिए था कि क्यों तुमने मुझे सबके सामने एक फूल बनाकर खड़ा दिया था। इसे जिनी रोकर कहती है, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। अब मार्को कहता है, कुछ भी हो तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी माँ के कहने की वजह से तुम बार्सिलोना गई थी। नहीं कहने से अब मैं तुम्हें कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। जिनी पीछे ही जाकर उसे हग करके कहती है, मार्को प्लीज मुझे माफ करो। अब मार्को उसे पुश करते हुए कहता है, मैं लाइफ में मूव ऑन हुआ हूँ जिनी। लेकिन जिनी उसे किस करती है। मार्को तुम्हें यही चाहिए ना, कहते हुए वो भी जिनी को किस करता है और दोनों इंटीमेट होते है। डिजाइन रिजेक्ट होने से जिनी बहुत उदास थी। तब अचानक उसे मार्को से कॉल आता है। जिनी भाग के जाकर कॉल पिक करती है। उस तरफ से मार्को की गर्लफ्रेंड पैटी कहती है, मार्को ने फाइनली तुम्हारे डिजाइन को अप्रूव किया है। नेक्स्ट सीन में पैटी कॉलेज डेज की जिनी की तरह हेयर स्टाइल करके मार्को के पास आती है। मार्को उसे हग करके किस करता है। जिनी मार्को और पैटी एक दूसरे को किस करते हुए देखती है और उसके आंखों में आंसू आने लगते है। एक दिन रेस्टोरेंट में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर था, लेकिन एक शेफ नहीं आया था। सो मार्को और उसकी टीम बहुत टेंशन में थे। ये पता चलकर जिनी जाकर उन्हें मदद करती है। मार्को और जिनी कॉलेज रियूनियन को साथ में जाते हैं। पार्टी के बाद जिनी कहती है, बिना बताए तुम्हें छोड़कर चली जाने के लिए आई एम सॉरी। मार्को कहता है, तुम्हारी फियर और नीड को अंडरस्टैंड नहीं करने के लिए आई एम सॉरी टू। नेक्स्ट डे जिनी पैटी को मिलने के लिए किचन में जाती है। वो मार्को को सरप्राइज देने के लिए केक बेक कर रही थी। पैटी से बात करते करते जिनी कहती है, तुम क्यों मार्को को उसने लव किया हुआ लड़की के साथ रहने नहीं दे सकती हो? मैं उसकी पास्ट और फ्यूचर हूँ, मैं मार्को के लाइफ की बिग पार्ट हूँ, मैंने उसे पहले लव किया है। इसे पैटी कहती है, लेकिन तुमने चांस को खो दिया है। जिनी कहती है, लेकिन मैं उसे अभी भी लव कर रही हूँ, वो भी मुझे लव कर रहा है, प्लीज पैटी जस्ट लेट हिम गो। पैटी कहती है, हमारा लव तुम्हारी लव की तरह रोमांटिकली नहीं स्टार्ट हुआ था, हमारा लव बहुत अनएक्साइटिंगली हुआ था। हम पहले
पेरेंट्स थे, बाद में धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन हमारे लव में जरूर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है। आई लव हिम और लव में कोई फियर नहीं है। मैं विश करती हूँ कि तुम्हें भी फ्यूचर में ऐसा ही लव मिलेगा। कहकर पैटी बाहर चली जाती है। जिनी आई एम सॉरी कहते हुए उसके पीछे ही जाती है। नाराज पैटी के हाथ रिकंस्ट्रक्शन वर्क को लग जाता है और सारी वुड वर्क उनके ऊपर गिर कर दोनों घायल होते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है। मार्को भागकर हॉस्पिटल आता है। जिनी को देखकर पूछता है, आर यू ओके? और वहां से पैटी के पास जाता है। पैटी को पैर से किस करके उसे वार्ड में ले जाता है। ये देखकर जिनी को बहुत दुख होता है। बाद में पैटी मार्को से कहती है, मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलो, बी फेयर। तुम्हारा चॉइस कौन भी हो मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर तुम मुझे चूज करोगे तो मैं, अगर तुम उसे चूज करोगे तो वो। नेक्स्ट सीन में मार्को फ्लावर बुके और एक एनवेलप को लेकर जिनी के पास जाता है और पहली बार जिनी ने प्रपोज करते हुए दिया हुआ ड्राइंग को दिखाकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत लव किया था, सो जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मुझे बहुत दर्द हुआ था। जब मैंने वो ईमेल लिखा था, आई मीन एवरी वर्ड, मेरा हार्ट बीटिंग गुस्सा और दर्द से थक गया था। आई मूव्ड ऑन। जब मैं पैटी से मिल गया मैं फिर से नॉर्मल बन गया। जब मैं फिर से तुम्हें मिला मेरा गुस्सा मेरा दर्द तुम्हारे लिए मेरा लव फिर से आ गया। लेकिन अब जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ मुझे पैटी याद आती है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आई एम सॉरी। जब भी मैं पैटी मेरी लाइफ में नहीं है करके सोचता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूसरी बार मरने जा रहा हूँ। आई रियली लव हर। उसके बिना मैं एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। जिनी पूछती है, क्या तुमने मुझे माफ किया है? मार्को हंसकर कहता है, अब इस मैंने माफ किया है। और जिनी को किस और हग करके पैटी के पास चला जाता है। फाइनली जिनी मार्को की ईमेल को डिलीट कर ही देती है। धीरे धीरे जिनी नॉर्मल होती है। मार्को पैटी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पैटी खुशी से एक्सेप्ट करती है। जिनी हर हैंडसम लड़कों में अपनी लव को ढूंढने लगती है। फाइनली एक से कनेक्ट होती है। ऐसे ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट में इस लिख देना। और मैं इस तरह के मूवीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और स्टे ट्यून्ड।